से लौटा एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में बताऊंगा कैसे हम कोई एक लोगो बना सकते हैं लैपटॉप या कंप्यूटर में, ठीक है। तो वीडियो के सिलसिले के अंदर देखना मत भूलो, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमें लोगो बनाने के लिए पहले हमें नेट कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने नेट कनेक्ट कर चुका है। अब मुझे यहाँ क्रोम के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर ऐसा आपके सामने एक पेज खुलेगा। मेरा थोड़ा सा नेट स्लो है तो ऐसा खुल रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करके सर्च करना है कैनवा, ठीक है। कैनवा सर्च कर लेना है। उसके बाद डिजाइन लिख लेना है। अब आपको डिजाइन तो मैं इसको सॉरी आपको मैं इस कैनवा डिजाइन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब एंटर क्लिक कर देना है। कैनवा डिजाइन को क्लिक करके, ठीक है, ऐसा आपके सामने खुलेगा www.canva.com, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको ये एक ऑप्शन आएगा, तो इसके ऊपर क्लिक कर देना है www.canva.com। तो ऐसा आपके सामने एक पेज खुलेगा। पहले आपसे वो साइन इन पूछेगा, साइन इन करवाना पड़ेगा। आपको साइन इन कर लेना है, पापा से या फिर मम्मी से या भैया से किसी से भी साइन इन कर लीजिए। फिर यहाँ एक क्रिएट और डिजाइन के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, ऑप्शन रहेगा। फिर यहाँ लोगो के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, तो लोगो के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने एक ऐसा पेज खुलेगा। तब तक मैं इसको उन दोनों को कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। तो आपके सामने एक ऐसा पेज खुलेगा। मेरा नेट स्लो है इसलिए धीरे धीरे खुल रहा है, ठीक है। तो आपके सामने एक ऐसा पेज खुलेगा जहाँ आप लोगो बना सकते हैं। हाँ जी, लोगो बना सकते हैं, ठीक है। आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा, ब्लैंक व्हाइट पेज। तो उसके बाद यहाँ आपको जाना है। फिर यहाँ एक ऐसा, यहाँ कोई भी एक लोगो बनाने के लिए कोई भी एक बैकग्राउंड ले लीजिए। तो यहाँ बहुत सारे बैकग्राउंड है, तो मैं ये वाला लेता हूँ। तो ये गेमिंग के लिए है, जैसे आप लोग गेमिंग का वीडियो बना रहे हैं या फिर कुछ और बना रहे हैं। तो ये लोगो एक बैकग्राउंड है, तो इसके ऊपर मेरे को क्लिक करके यहाँ क्लिक कर देता हूँ, ताकि मैं इसको रख करके अपना चैनल का नाम भी जरूर, ठीक है। तो टेक्निकल, ठीक है, यहाँ टेक्निकल लिख दिया। अब इसको मुझे नीचे लाना है ताकि लिख सकूं, और इसको बड़ा कर लेना, ठीक है। इसको बड़ा करके इसको यहाँ ले आना है। फिर यहाँ मुझे सर्च करना है, यहाँ मुझे सर्च लिखना है, हमारी मिनट से लिखना है SUNDARAM, ठीक है। तो सुंदरम मुझे यहाँ से लिख देना है, क्योंकि ये मेरा चैनल, आप चैनल के प्लेस में कुछ भी लिख सकते हैं, बस अच्छा दिखना चाहिए, ठीक है। तो मैंने लिख दिया है अपना चैनल का नाम, ठीक है, टेक्निकल सुंदरम, ठीक है। अगर आपसे ये गलती से डिलीट हो जाए, जैसे कि मैंने अभी डिलीट कर दिया, तो आप सोचेंगे अब मैं क्या करूं, फिर से अब इसको लाना पड़ेगा मुझे। ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। अब यहाँ एक टेक्स्ट का ऑप्शन रहेगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। आपके सामने एक ऐसा खुलेगा पेज, ठीक है। तो यहाँ ये बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, उसमें से जो हैंड राइटिंग चाहिए वो ले लीजिए। तो मुझे ये पसंद आए तो मैं ये लेता हूँ, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ खुलेगा, ये देखिए यहाँ खुलेगा ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसको फिर नीचे ले आना, जहाँ रखना है यहाँ वहां रख दो। उसके बाद इसको छोटा कर देते हैं ताकि अच्छी तरह फिट हो जाए यहाँ पे। तो ऐसे कुछ फिट कर देना है। उसके बाद इसको रफ कर देना, ठीक है, रफ कर देना है इसको। इसको फिट हो गया। अब मुझे इसको रफ करना है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ ऐसे, जैसे कि मैं कर रहा हूँ वैसे ही करिएगा, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ टेक्निकल लिख देना है, सॉरी TCHNICL टेक्निकल, ठीक है। यहाँ पूज नहीं रहा इसलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ताकि अच्छी तरह पूज जाए। फिर यहाँ बाहर क्लिक करके इसको अंदर ले आता हूँ वापस, ठीक है। तो ऐसा फिर आपको अगर नीचे भी लिखना है अपना नाम लिखना है, तो फिर से ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लिखेंगे इसी को कंटिन्यू करते रहेंगे तो अच्छी तरह दिखेगा नहीं। तो इसके ऊपर फिर से जैसे क्लिक कर देना है वापस वही हैंड राइटिंग, या फिर दूसरा भी ले सकते, पर अच्छा दिखने के लिए यही चाहिए आपको, मतलब जो चाहिए वो ले लीजिए, उसी की तरह दूसरे टाइम भी ले लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि मैं करता हूँ वैसे ही करिएगा, जैसे सेम स्टेप्स में कर रहा हूँ वैसे ही करिएगा, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूँ, इसको रफ करके सुंदरम लिख देना, ठीक है। तो सुंदरम मैंने लिख दिया है, इसको अब आगे बड़ा, मतलब कि थोड़ा सा जैसे पूछ जाओ वैसे रख देना है,
इसको ऐसे रखते हैं हम डिजाइन से, ठीक है, तो ऐसे रखते हैं, या फिर इसको ऐसे ले आ सकते हैं, यहाँ इसी के साथ जोड़ सकते हैं। इसको जोड़ना है तो इसको बड़ा कर देना है, ठीक है, तो इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, तो ऐसा दिखेगा। इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ ताकि अच्छी तरह हो जाए, ठीक है, तो ऐसा मैं रख लेगा दिखेगा। फिर इसका भी अगर आपको चेंज करना, अगर कुछ डिलीट करना है तो यहाँ डिलीट का ऑप्शन है, तो उसको क्लिक कर दीजिए। मुझे कुछ डिलीट नहीं करना। अब इसका मुझे कलर चेंज करना है, ये जो है ना गेमिंग का जैसे फोटो है उसका कलर चेंज करना है। तो कलर चेंज करने के लिए यहाँ तीन चार चार कलर, पांच पांच कलर है, यहाँ पे यहाँ व्हाइट कलर भी है, दिख नहीं रहा होगा अच्छी तरह आपको, ठीक है, तो यहाँ पांच पांच कलर से पांचों कलर में एक कलर चूज करिए जिसका जहाँ कलर चेंज करना है। तो ये कलर इसका है, ठीक है, तो इसके प्लेस में मुझे रेड लाना है, क्योंकि मैं इसको पहले स्टूडियो में लिया था, ठीक है, इसके प्लेस में मुझे रेड लाना है। तो रेड लाने के लिए मुझे इसके ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ रेड कलर के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है, तो ऐसा दिखेगा आपके सामने। फिर यहाँ इसके ऊपर क्लिक कर देना आपको, फिर यहाँ ब्लू के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है, ब्लू के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब ब्लू क्लिक करने की वजह से ऐसा दिख रहा है। अब अगर आपको दूसरा लाना है तो दूसरा भी ला सकते हैं, दूसरा बहुत सारे कलर है यहाँ पे, जो चाहिए वो डाल सकते हैं। मेरे को ये अच्छा लगा इसलिए मैंने इसको ये डाल दिया, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं, मिडिल में हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसके पीछे वाला बैकग्राउंड भी चेंज कर देता हूँ, ये वाला कलर, ठीक है, तो इसके ऊपर आप मुझे बस क्लिक कर देना है। फिर यहाँ फिर से वही कलर आपका ऑप्शन है बैकग्राउंड कलर, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, जहाँ मैं इसको ब्लैक डाल देता हूँ अच्छा दिखेगा, ठीक है, तो ऐसा दिखेगा। फिर यहाँ पे मैं व्हाइट डालना चाहता हूँ तो व्हाइट भी डाल सकते हैं आप। फिर यहाँ क्लिक करके यहाँ मैं ये डाल दूँ क्या, या फिर ये डाल दूँ क्या, या फिर ये डाल देना है मैं, तो मैं यही डाल देता हूँ, यही अच्छा दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा लोगो बन गया, ज़्यादा देर भी नहीं लगा और बन भी गया। तो कैसी लगी वीडियो प्लीज कमेंट में भेजिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आपको म्यूजिक भी रखना है तो म्यूजिक रख सकते हैं, या फिर इसको जैसे हिलता डुलता चाहिए तो हिलता डुलता, तो यहाँ एक एनिमेट का ऑप्शन रहेगा, तो उसके ऊपर क्लिक कर देना है आपको, ठीक है, तो ऐसा आपके सामने खुलेगा। फिर यहाँ ब्लॉग का ऐसे रहेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है आपको। देखिए यहाँ देखिए आप यहाँ पे इस जगह में देखिएगा कैसे दिखेगा, ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ सिर्फ छह रहते हैं, यहाँ छह छह में से कोई भी आप डाल सकते हैं, ठीक है, ये डालेंगे तो पैसा मांगेंगे, ठीक है, तो छह में से एक भी डाल देते हैं। वैसे मुझे डालना नहीं है, डालने से ये भी फोटो जैसे नहीं बनेगा, ये वीडियो बन जाएगा, ठीक है, तो मुझे फोटो नहीं, मुझे फोटो वाला चाहिए, ठीक है। अब आपको ये सेव करना है, तो आप कैसे सेव करेंगे, यहाँ डाउनलोड का एक ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, या फिर शेयर करेंगे तब भी सेव हो जाएगा। और यहाँ एक तीन बिंदी वाला ऑप्शन रहेगा, उसके ऊपर आपको बस क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने एक ऐसा पेज खुलेगा, यहाँ डाउनलोड, शेयर लिंक और ऐसे बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, परमानेंट एंड रिकॉर्ड, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे। तो मुझे कुछ ऐसा नहीं करना, डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना मुझे बस। ऐसे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूंगा तो ऐसा मेरे सामने एक पेज खुलेगा, MP4 वीडियो, तो मुझे नहीं चाहिए, तो उसके ऊपर कुछ करना, बस आपको डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना, तो आपके सामने ये डाउनलोड होता रहेगा, प्रिपेयरिंग योर डिजाइन, प्रिपेयर हो रहा है हमारा डिजाइन, ठीक है। अगर आपको कैंसिल करना है तो यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा हो रहा है, थोड़ा थोड़ा स्लोली हो रहा है क्योंकि मेरा नेट स्लो है। तो ये मेरा हो गया, बन गया मेरा डिजाइन, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बनाया था वैसे ही यहाँ बना हुआ है, ठीक है, तो मैं यहाँ इंटू कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ इंटू से, ठीक है। तो ये देखिए मेरा यहाँ इमेज, मतलब कि वो डाउनलोड हो रहा है टेक्निकल नाम का, तो मैं यहाँ से पूरा कैंसिल कर देता हूँ। अब आपको अगर ढूंढना है तो ढूंढ सकते हैं, डाउनलोड में जाके, इसमें जाके लाइब्रेरी में जाके डाउनलोड करके कर सकते, पर आपको मैं इजी मेथड भी बताता हूँ। आपको बस स्टार्ट बटन में क्लिक कर देना है, फिर यहाँ आपका जो नाम था वही सर्च कर देना है। मुझे यहाँ सर्च करना पड़ेगा टेक्निकल, ठीक है, टेक्निकल सर्च कर लेना मुझे, तो टेक्निकल सर्च कर लिया, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आ गए, तो ये वाला मुझे ऑप्शन चाहिए, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन मुझे चाहिए, मतलब कि ये मुझे चाहिए नहीं, ये वाला ऑप्शन क्लिक नहीं करना, जो जैसे कि मैंने सर्च किया था ना टेक्निकल, उसका नाम भी टेक्निकल था, तो इसको बस पकड़ के मुझे यहाँ लाना होगा,
तो यहाँ मैंने ले आया है, ये देखिए मेरा टेक्निकल का मैंने वीडियो बना दिया लगता है। हाँ वीडियो बना दिया, तो ये देखिए वीडियो जैसे आएगा। फोटो नहीं है बनाया, फोटो वाला था ना, तो मैंने जो गलती से वीडियो बना दिया, ठीक है। तो मैंने नॉन के ऊपर क्लिक करना ही भूल गया था उस टाइम, सॉरी। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, वीडियो बना दिया है। अगर वहाँ एक नॉन का भी ऑप्शन रहेगा उसको भी क्लिक कर सकते हैं आप। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, कितना मतलब कि पूछो ही मत, कितना अच्छा दिख रहा है, ठीक है। अब आप भी ऐसा बना सकते हैं, ठीक है, आप भी ऐसा बना सकते हैं। ये नहीं है कि आप नहीं बना सकते, बना सकते हैं, पर लैपटॉप या कंप्यूटर में, ऐसा सिर्फ लैपटॉप और कंप्यूटर में ही होता है। मोबाइल का मैं अलग से वीडियो बना के भेज दूंगा आपको, बना दूंगा, और वो वीडियो मेरे चैनल में होगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को सुंदरम सोनी, और बेल आइकन को दबाइए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो वीडियो को शेयर से लेकर अंत तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, सी यू, टाटा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप सुंदरम सोनी या फिर टेक्निकल सुंदरम के नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। बाय बाय।